आज पौंटा में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो परिवार आर्मी परिवार है, ये सारा परिवार तीन लोग इसके आर्मी के रिटायर हुए हैं और 100 साल से ज़्यादा यहाँ वो रह रहे हैं। उनका इन्होंने गुंडागर्दी से भाजपा ने, मैं तो पर्टिकुलर सुखराम जी को कहूँगा, उन्हीं कम्युनिटी के वो आदमी हैं, सुखराम ने खड़े होकर जेसीबी से तोड़वाया और आज उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। पुलिस में उनको शिकायत करी, FIR लॉन्च कराई, पुलिस ने भी उनको बॉन्ड साइन करा के उनको छोड़ दिया। आज पुलिस ये कह रही है, अभी मैं SDM साहब से मिला, SDM साहब ने पुलिस को SHO से बात की, उसने SHO ने SDM को ये कहा कि आप उसको जगह को पटवारी से नपवा दो। नापने की बात तो बाद में आती है, जब इलीगली जो उन्हें चाहे इलीगली बनाया चाहे लीगली उनका घर बनाया, उन्होंने इलीगली तो तोड़ा है घर को, पर पहले उनको ऊपर अरेस्ट करके उनसे कार्रवाई की जाए। नाप नपाई तो बाद में हो जाए, किसकी जमीन निकलती है किसकी नहीं, इसमें टोटली आज सुखराम की इसमें शह है। आज जहां BJP का सरकार ये कहती है अपने नौजवानों के आर्मी के नाम पर वोट मांगती है, वहीं नौजवानों के जो पुलिस के आर्मी के रिटायर आदमी फौजी हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं। वो शादी पे गए थे, पीछे उनका कुछ नहीं बचा, सारा उनका घर तोड़ के और उसको मलबा वेट कर दिया और सारा उनके TV क्या और क्या या तो उठा के ले गए या उसमें कचरे में उन्हें दबा दिया और आज ये बेचारे बेघर हैं। आज शादी से लौटे, कोई उनके पूछ नहीं कर रहा है। तो पुलिस आ गई, गाँव वाले ने बोले कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है जी, और फिर आ जाएंगे इनको भगा दें। उस टाइम जब पुलिस चल जाएगी फिर आ जाएंगे। जो बाहर से बंदे बुलाए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, इनके ये ग्लोबल भी है, इन्हीं के परिवार के हैं, सब निकल जाओ फिर कहते हैं जी। आप बताओ पूरा पूरी बात बोलो। इकट्ठे हो जाते हैं उस टाइम जब पुलिस चल जाती है, फिर आ जाते हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पर है? कुछ 500 होंगे। 8 घंटे सब कुछ है, सब कुछ है।